स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। तो आई होप कि सबने अभी तक तो एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया होगा। ऑनलाइन होता है, सबको पता ही है ना प्रोसीजर का। तो अभी तो टाइम चल रहा है 15 अक्टूबर तक, वो विदाउट लेट फीस वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि क्या विदाउट लेट फीस भी ये एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म जो है, क्या इसकी डेट और आगे एक्सटेंड होने वाली है या हो सकती है, कोई चांसेस हैं? तो यही आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज 14 अक्टूबर हो गई है, कल लास्ट डेट है। तो विदाउट लेट फीस वाला मैं बता रही हूँ। तो अब तुम ये सोच लो कि एक दिन तुम्हारे पास है, मतलब एक ही दिन बचा है विदाउट लेट फीस फॉर्म भरने के लिए। लेकिन क्या इग्नू कभी ऐसा करता है कि मतलब लेट फीस, विदाउट लेट फीस वाले फॉर्म को वो और एक्सटेंड कर दे? अमूमन ऐसा होता नहीं है, बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। तो अभी क्या है कि कभी कभी क्या होता है, इग्नू की जो वेबसाइट है वो काम नहीं करती है। एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का जो पोर्टल है वो भी काम नहीं करता है, क्योंकि तुम लोगों को भी ये परेशानी आ रही होगी। और हाँ, तुमने ये देखा भी होगा कि दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनेशन फी सबमिशन का जो पोर्टल है वो 13 अक्टूबर से ही, मतलब कल परसों से ही काम नहीं कर रहा है, जब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज है 14 अक्टूबर और आपने देखा भी होगा कि आज जो भी वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रही थी जब मैं ये वीडियो बना रही थी, तो मुझे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई इसको चेक करने के लिए। तो ये जो क्या है, ये इसका प्रॉब्लम क्या है कि कभी चलती है कभी नहीं भी चलती है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही थी कि जो एग्जामिनेशन फ़ीस को सबमिट आप जितना जल्दी कर दोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो जो लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस 15 अक्टूबर है, जिसमें कि बताया भी गया था यहाँ पर, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो 15 अक्टूबर इसमें टाइम दिया, ये सबको बताया अभी तक 6 बजे तक एग्ज़ाम फ़ीस को सबमिट करना था। तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी, इसको एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं। अगर मैं आपको प्रीवियस सेशन के जो डेटास थे उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, तो दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ था उसका जो उसमें जो था लास्ट डेट, वो एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। इसके अलावा आप ये भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो जून में, जो लास्ट ईयर जो 2024 जून में पेपर हुए थे बच्चों के, उसमें जो लास्ट डेट थी एग्जामिनेशन फ़ीस की, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया था विदाउट लेट फीस वाले सेक्शन को। तो अभी फ़िलहाल जो चांसेस बन रहे हैं ना, वो ये है कि दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए जो भी एग्जामिनेशन फ़ीस सबमिशन का पोर्टल है, 15 अक्टूबर के बाद विदाउट लेट फीस एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये अभी श्योरिटी है कि कर दिया जाएगा, लेकिन कितने दिनों के लिए किया जाएगा इसका अभी कंफर्म नहीं नोटिफिकेशन आया है। बट मोस्टली केसेस में देखा गया है कि एक दिन के लिए या फिर मैक्सिमम 5 या 10 दिनों के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा विदाउट लेट फीस के लिए। और एग्जामिनेशन फ़ीस का पोर्टल इसलिए भी वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट चल रहा हो, क्योंकि अभी जो है पोर्टल काफ़ी बिजी चल रहा है, तो इस वजह से भी आपका जो ये जो पोर्टल है वो काफ़ी लेट चल रहा है, या फिर इसको बिजी बोल सकते हो क्योंकि उसको इग्नू अपनी वेबसाइट को अपडेट भी कर रहा होगा। तो जब लास्ट डेट रहती है ना, तो इसमें यही होता है, जब भी लास्ट डेट किसी भी चीज़ का, चाहे वो एग्जामिनेशन फॉर्म का हो, चाहे वो आपका असाइनमेंट सबमिशन का हो, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो अभी ऐसे में मोस्टली चांसेस हैं कि आपको कंफर्म तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ चांस है, क्योंकि दो बार का मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि 15 अक्टूबर के बाद भी लास्ट डेट जो है वो विदाउट लेट फीस है, जिसमें कि आपका एग्ज़ाम फीस का लेट फीस जो है वो नहीं लगेगी। तो लास्ट डेट कुछ दिनों के लिए और एक्सटेंड कर दी जाएगी, और आप कोशिश करना, ट्राई करना है कि जब लास्ट डेट एक्सटेंड होगा तो आप जितना जल्दी एग्ज़ाम फ़ीस को सबमिट कर दोगे उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन फ़ीस सबमिशन का जो लास्ट डेट है विदाउट लेट फ़ीस, अब इसको बस मैक्सिमम एक बार और उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो इग्नू बार बार इस चीज़ को नहीं करेगा, तो वो 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर देगा, मतलब 5 या 10 दिनों के लिए, उसके बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद जो लेट फीस है वो आई थिंक 1100 हो जाएगी स्टार्ट। बाकी जब लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाएगी ना विदाउट लेट फीस 15 अक्टूबर के बाद, जितने भी दिनों के लिए एक्सटेंड होता है, ऑफिशियल अपडेट जैसे ही आएगा मैं आपको उसको इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा जैसे भी आता है इस चीज़ के बारे में। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में बता दूँ कि उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि मतलब 5-10 दिन के लिए अभी और एक्सटेंड होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, यही बताना था आप लोगों को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चलो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को।
ठीक है, चलो बाय।